चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि देहरादून से। आपको बता दें कि अब पुरानी बसें हटाने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है उत्तराखंड में, और सभी शहरों में प्रारूप तैयार किया जाएगा। प्रदूषण कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। राजधानी देहरादून से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकार सब्सिडी भी देने जा रही है। नए सीएनजी वाहन खरीदने पर भी अब सब्सिडी मिलेगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, एक और सराहनीय पहल सरकार की ओर से, जहां पुरानी बसें हटाने का जो प्रारूप है वो हर शहर में उत्तराखंड के तैयार किया जा रहा है। अब देखिए, विभाग लगातार प्रयास कर रहा था और अब नीति तैयार हो गई है और सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में जो डीजल से चलने वाले, संचालित होने वाले जो वाहन है, खास तौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े जो वाहन है, उनको उनका लाइसेंस और जो वाहन है उनको स्क्रैप करने पर सरकार सब्सिडी देगी और सब्सिडी की और एक धनराशि की सीमा जो है वो तय की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड का 70% के करीब वन्य क्षेत्र है, वन्य भूभाग है, तो ऐसे में सरकार पर्यावरण के प्रति गंभीरता से लगातार कार्य कर रही है और यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण और जो दिनों दिन प्रदूषण का जहर आबो हवा में घुल रहा है, इसको कम करने के उद्देश्य से सरकार ने फैसला लिया है। और निश्चित तौर पर जब पुराने वाहन मार्केट से जब आउट हो जाएंगे तो जो नए वाहन है, जो सीएनजी वाहन आएंगे, तो उनसे जो पर्यावरण संरक्षण है वो भी हो सकेगा और जो आबो हवा विषैली हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं उस पर भी कंट्रोल हो सकेगा। लगातार सरकार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि सब्सिडी के प्रावधान भी सरकार ने इसमें किए हैं। जो आबो हवा है वो स्वच्छ बनी रहे, इसी पर सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि तमाम निजी सेक्टर के लोगों का जीवन यापन भी इस व्यवस्था पर निर्भर है। तो ऐसे में सरकार ने संतुलन बनाया है और प्रक्रिया का एक प्रारूप तैयार किया और आने वाले समय में हम देखेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तमाम जो डीजल वाले वाहन है, चाहे वो सवारी वाहन है या जो बसें हैं, इन सभी को हम धीरे धीरे कम होता हुआ देखेंगे और आने वाले समय में जो नए वाहन है वो सड़कों पर नजर आएंगे। तरह से आने वाले दिनों में जो नई वाहनें हैं वो सड़कों पर देखने को मिलेंगी और जिस तरह से जहरीले डीजल को हटाने का जो संकल्प है वो सरकार ने लिया है ताकि पॉल्यूशन ज्यादा ना पड़े। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी चुनौती होगी सरकार के लिए। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं निजी सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के, जिनकी रोजी रोटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर आधारित है, तो कहीं ना कहीं उनको भी सरकार ने संरक्षण देना है और इसीलिए सरकार ने व्यवस्था की है कि आने वाले समय में जो लोग इससे प्रभावित होंगे उनका भी ख्याल रखना होगा और खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है वो बेहतर हो सकेगी और जो जनता इस पर निर्भर है उसको भी परेशानी ना हो और पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ जो आबो हवा है उसका स्वरूप भी ना बिगड़े। तो एक नहीं बल्कि कई संतुलन बनाने की सरकार कोशिश कर रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि एक के बाद एक जब धीरे धीरे सरकार फैसला, जो सरकार ने फैसला लिया है इसको धरातल पर उतारेगी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ समय जरूर लगेगा, चुनौती जरूर है, लेकिन आने वाले समय में सरकार का जो संकल्प है वो साकार निश्चित तौर पर होने वाला है। का जो संकल्प है आने वाले दिनों में साकार जरूर होगा क्योंकि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी समेत राज्य के तकरीबन सभी प्रमुख शहरों की सड़कों से जहरीला धुआं उगारे वाले सभी पुराने डीजल वाहन चरणबद्ध ढंग से हटा दिए जाएंगे और उनको हटाने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल में मंजूर स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत योजना को लागू करने के लिए एक पहल की गई है और जल्द ही उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का जो गठन है वो भी किया जाएगा।